अगर पाकिस्तान में 40 बड़ी कॉरपोरेशंस टैक्स ना दे रही हों तो आप हैरान होंगे कि ये जो हम कोई 1400 बिलियन के करीब इनकम टैक्स इकट्ठा करते हैं, इसमें से 80% टैक्स तो सिर्फ आपकी थोड़ी सी कॉरपोरेशंस देती हैं। और पिछले साल का जब टैक्स डायरेक्टरी आई तो मैंने उसका एनालिसिस किया तो मैं हैरान हुआ कि सिर्फ 2371 लोग पाकिस्तान में इंडिविजुअल ऐसे थे जिन्होंने 10 मिलियन से ज़्यादा अपनी टैक्स की लायबिलिटी तस्लीम की। तो एक तरफ इस मुल्क में आप देखते हैं कि किसी ख़ास तबके में एफ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। मिसाल के तौर पर पॉलिटिकल क्लास को ही ले लिया जाए तो टैक्स डायरेक्टरीज छपने के बाद अंदाज़ा हुआ कि उनमें से 99% लोग तो सिर्फ उस सैलरी पर ज़िंदा हैं जो उनको अपने इस मनसब की वजह से मिलती है। कोई 1% ने कोई और आमदनी के ज़राए बताए हैं, और जो उनका लाइफस्टाइल है उसको देखें तो ये गालबन इम्कान होता है कि फिर उस डिक्लेयर्ड सोर्सेज में से तो वो ज़िंदा नहीं रह सकते। आज अगर असद उमर साहब होते तो फिर उनसे पूछ लेते कि जब वो मेंबर थे तो उन्होंने ये वहाँ रेजोल्यूशन मूव किया था कि सबसे पहला ऑडिट जो है वो इन्हीं पार्लियामेंटेरियन से शुरू किया जाए, क्योंकि आपने देखा होगा कि काफ़ी जिद्दोजहद के बाद अगरचे बाकी ममालिक में ये टैक्स का डेटा पब्लिक नहीं किया जाता, उसकी कई वजूहात हैं, मगर यहाँ चूँकि ज़रूरत थी तो बहुत ज़्यादा इसके बारे में मुहिम चलाई गई। और फिर 2013 से हमें दो किस्म की टैक्स डायरेक्टिव मिलती हैं, एक वो जिसमें खालिस्तन पार्लियामेंटेरियंस की होती हैं और एक वो जो सारे पाकिस्तानियों के जो भी टैक्स डिक्लेयर होते हैं। और उसमें दिलचस्प बात यह है कि वो उन्होंने उसको एक रेगुलर फीचर के तौर पर पब्लिश तो किया मगर उस पर भी कोई अवामी सतह पर डिबेट नहीं हुई। ये नहीं जाना गया कि फिर जिन बहुत से लोगों को हम अपनी आंखों से पाकिस्तान में देखते हैं कि वो अहले इक्तदार भी हैं और अहले जो हैं वो मालो दौलत भी हैं, उनका वहाँ ज़िक्र तक भी नहीं होता। बस मैं पिछली टैक्स डायरेक्टिव पे हैरान था कि मैंने किसी जनरल्स का और जज का नाम भी नहीं वहाँ देखा। तो क्या फिर FBR से उनकी कोई ऐसी अंडरस्टैंडिंग है कि उनके नाम नहीं बताए जाएंगे? अगर कोई ऐसा सीक्रेसी का लॉ है कि बाकी वो टैक्स पेयर के तौर पर हमारा, मेरा और रुजैमा का नाम तो पब्लिश है, हमारी फर्म का नाम भी पब्लिश है, हमारा टैक्स का नंबर भी मौजूद है, डॉक्टर वकास साहब का भी होगा, अगर हम कोशिश करें तो किसी का भी CNIC से देख सकते हैं, मगर क्या वजह है कि पाकिस्तान में इतने साल गुजरने के बाद भी एक ख़ास तबका अपने आप को एक ख़ास तरह की सीक्रेसी और इम्यूनिटी से बाहर नहीं निकालना चाहता? मिसाल के तौर पर इंडिया में ये मुहिम चली कि जजेस अपने असासों को पब्लिक करें। जब ये मुहिम चली तो किसी ने इंफॉर्मेशन राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत एप्लीकेशन डाल दी, चीफ जस्टिस साहब ने उसको टर्न डाउन कर दिया इंडिया के कि भाई ये हम पे लागू नहीं होती। उसके बाद उनकी पार्लियामेंट उनकी दफा में आई जजेस की और एक लॉ पास कर दिया कि इनसे इनके असासे नहीं पूछे जा सकते, ये बहुत हसास काम करते हैं, इस तरह से ब्लैकमेल होंगे, जो भी जस्टिफिकेशंस दी जा सकती थी वो दी गई। मगर 2-3 यंग जजेस ने अपने असासे वॉलंटेरली वेबसाइट पर डाल दिए जिससे बाकी जजेस को ये कहने का मौका नहीं मिला। और फिर आज अगर आप इंडिया में देखना चाहें तो ये मौजूद होती हैं हमारे यहाँ। जो मुझे सबसे बड़ा आज भी पाकिस्तान के निज़ाम में महसूलात में मसला नज़र आता है वो ये है कि जानते हुए भी कि जो हमारे यहाँ बहुत ताकतवर तबकात हैं वो इनकम टैक्स नहीं देते हैं, हम उनके बारे में कुछ भी करने को ना हमारी रियासत ना हमारी सिविल सोसाइटी तैयार है। यानी कि हम हज़ारों तरह के बगदादी मनाजरे रोज़ सुनते हैं TV पर, मगर कभी हमने ये नहीं सुना कि हम वो उस गाड़ी का क्लिप दिखाएं कि अगर किसी जगह कोई मीटिंग हो रही थी, चाहे वो पार्टी के हजरात जो हैं अब इक्तदार में हैं या वो मरी में कोई मतहदा जलसा फरमा रहे हैं, तो वो किस किस्म की गाड़ियों पे तशरीफ़ ला रहे होते हैं और उनके साथ कितने गार्ड्स होते हैं। और फिर जब आप उनके टैक्स रिटर्न्स या कम से कम जो डायरेक्टरी के अंदर उनके इनकम क्वांटम उठा के देखते हैं तो बड़ी शर्मिंदगी होती है। दूसरी तरफ मैं जब देखता हूँ कि एक बेवा का भी बैंक अकाउंट के 1000 रुपये का भी टैक्स उसको प्रॉफिट मिला
तो उसके ऊपर हम 10% टैक्स काट लेते हैं। अगर वो नॉन फाइलर है, अब बेचारी वो क्यों रिटर्न फाइल करेगी, तो हम उसके ऊपर, हमने नॉन फाइलर का रेट जो है वो कभी 17.5%, कभी 15%। आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि एक ऐसी रियासत में जहाँ पर हमें कमोवेश पता है कि कितने लोग अमीर हैं, बहुत कम होंगे, ज़ाहिर है ये मुल्क ऐसा नहीं है जहाँ हम बिलीनर्स की तादाद ढूंढना चाहें तो हमें बहुत ज़्यादा मिले, या हम ऐसे हाउस होल्ड ढूंढना चाहें जो बहुत एफ्लुएंस में है। एक तरफ तो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ बहुत कम हाथों में है इस मुल्क में, जो खुद एक क्रोनी कैपिटलिज्म की, ये पाकिस्तान जो है क्लासिक एग्जांपल है, उसी की वजह से फिर आपकी रियासत में आपकी सियासत भी और आपके बाकी अदारे भी कैप्टिव रहते हैं उन लोगों के हाथ में। वो लैंड माफिया के लोग हों, वो सियासत में घुसे होते हैं, उनकी उनकी दिया हुआ नाम तो बाहर के यहाँ की बड़ी बड़ी सियासी पार्टियों के वो लोग भी जो अपने आप को चेंज के दावेदार कहते हैं वो भी तब्दील नहीं कर पाते, क्योंकि ज़ाहिर है कि मनी कहाँ से आ रही होती है। इन पार्टीज़ को भी तो वही लोग मनी फीड कर रहे होते हैं जो उस आज पाकिस्तान में लैंड ग्रैब करके बड़ी बड़ी स्कीमें बनाते हैं, और पाकिस्तान की लैंड को जिस तरीके से इस्तेमाल किया गया है वो आप लोग मुझसे बेहतर जानते हैं, और यही लोग आज सियासत में हैं। तो मैंने सोचा कि ये मेरा जो कीनोट एड्रेस था उसमें जो मैंने कई सवालात आज उठाए थे उस पर तो हम 10-15 मिनट में उसका अहाता कर लेंगे, मगर मैं बहुत बुनियादी सवाल आपके सामने रखना चाहता हूँ कि इस किस्म के ढांचे को बार बार हमारी इस्लाहात का नाम दिया कि जी हम इस्लाहात करेंगे, हम इस्लाहात कर रहे हैं। कई एक टैक्स रिफॉर्म कमीशन पिछले दिनों बना, अब उसकी रिपोर्ट ही उन्होंने कॉन्फिडेंशियल डिक्लेयर कर दी। ये कौन सा मुल्क है जहां आप एक टैक्स रिफॉर्म कमीशन बनाते हैं जिसका पर्पज़ एक पब्लिक डिबेट हो और उस टैक्स रिफॉर्म को का एजेंडा हो, उस निज़ाम को दुरुस्त करना हो, और उसकी रिपोर्ट कॉन्फिडेंशियल मार्क हो जाए, तो उसकी रिपोर्ट का आप किसको अंदाज़ा होगा? यानी कि वैसे तो कई लोगों के पास होगी, मगर ऑफिशियली उस रिपोर्ट को हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब, हमारे FBR के लोग और उस कमेटी के मेंबर और फिर उसके अंदर एक इम्प्लीमेंटेशन कमेटी, महज वही देख रहे होंगे। तो हम किस चीज़ पे डिबेट करेंगे, किस तरह की असलाहत होनी चाहिए, हमें तो इन असलाहत का अंदाज़ा ही नहीं। तो क्या हमें एक आउटसाइडर ट्रीट किया जाता है सिस्टम में, कि जो बाकी स्टेक होल्डर्स हैं, जो टैक्स पेयर्स हैं, उनको इन सारे मामलों में बाहर रखा जाए और ये एक क्लोज डोर ब्यूरोक्रेटिक एक्सरसाइज हो? अभी आप देखेंगे कि हुकूमत को जल्द ही उन मीटिंग्स के अंदर कि अच्छा अब आज ये मीटिंग का एजेंडा है, रात तक ये मीटिंग कर लें, ये हमारे पेपर पढ़ लें, और वो उनको कैप्टिव कर लेंगे और उसके बाद वो कुछ करना भी चाहेंगे। कुछ दिनों बाद हम देखेंगे कि ये वही रट होगी, ये वही रूटीन होगी जिसके अंदर चाहे एक तरफ लीड कैप्चर हो और एक तरफ ब्यूरोक्रेटिक कैप्चर हो, और सियासी लोग जो हैं, एक तो बाहर कैफ माशाल्लाह उन्होंने पहले कोई काम किया नहीं होता, जब इकतदार मिल जाता है तो फिर वो टास्क फोर्सेस बनानी शुरू कर देते हैं, और टास्क फोर्सेस के अंदर फिर फजूल किस्म की कुछ रिपोर्ट जनरेट हो जाती हैं। मुझे पता होना चाहिए कि मैंने कल क्या करना है सुबह उठकर FBR में, परसों मुझे पता होना चाहिए कि जब मैं जाऊंगा तो मैंने किस तरह का निज़ाम जो है उसको इंट्रोड्यूस कराना है। अभी भी अगर आपको टास्क फोर्सों से काम चलाना है तो ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत ज़्यादती का एलिमेंट है हमारे यहाँ। अब आप देखेंगे, अब मैं अपनी बात का ज़रा बाकायदा इस आज के जो टॉकिंग पॉइंट हैं इसके एड्रेस के उसके ऊपर आपसे शुरू करना चाहूँगा कि सबसे बड़ा जो कई सालों में हमें जो है बाहर की अदारों के साथ मिलकर शर्मिंदा करने की कोशिश की गई कि पाकिस्तानी तो टैक्स ही नहीं देते, अभी कभी किसी किस्म की मुहिम चलाई जा रही है, कुछ FBR वाले भी इसमें आगे हैं, हुकूमतें भी कह रही हैं हाँ जी हमारी टैक्स बेस बहुत नैरो है, पाकिस्तान में तो कोई टैक्स ही नहीं देता। अब मैं आपके सामने ये पिक्चर रखना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान में टैक्स फाइलर्स बहुत कम है, सबको पता है 12-13 लाख है, मगर टैक्स अदा करने वाले, अब मैं यहाँ जाहिर है कि GST की बात नहीं करूँगा, वो तो सारी दुनिया में गुड्स एंड सर्विसेज पे सारे लोग ही देते हैं, मगर मैं ख़ास इनकम टैक्स की बात करने वाला हूँ कि जब आप 95 मिलियन लोगों से 12% टैक्स ले रहे हैं मोबाइल पे ऊपर, इनकम टैक्स एडवांस जमा कर रहे हैं, तो किस मुँह से आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के लोग टैक्स नहीं देते? और इसमें से कितनी बड़ी तादाद उन लोगों की है जिनकी आमदनी उस
टैक्सेबल लिमिट के करीब करीब भी नहीं है और हम उनसे 12% लिए चले जा रहे हैं और फिर उनसे ये तवक्को रखते हैं कि वो टैक्स रिटर्न फाइल करें, किसी वकील को जाकर पैसे दें, क्योंकि उन्होंने कानून ये बनाया है कि आप वो टैक्स रिफंड चाहे 100 रुपये का भी हो नहीं ले सकते जब तक आप ऑनलाइन ऑटोमेटेड रिटर्न नहीं डालेंगे और उसके साथ एप्लीकेशन नहीं देंगे ऑनलाइन के मुझे मेरे 100 रुपये दे दो भाई मेरे से तुमने ज़्यादती से मोबाइल के साथ ले लिए थे। तो देखिए बहसियत कौम के हमें बजाय इसके कि हम इस बात को कंटेस्ट करते चाहे वो डोनर्स होते चाहे वो और अदारे होते कि भाई आप देखिए तो सही पाकिस्तान तो उन चंद नेशंस में से है जहाँ शायद ही कोई आदमी जिसको जिसने एक ज़ाहिर है बायोमेट्रिक के ज़रिए किसी ने एक किसी ने दो किसी ने तीन किसी ने शायद एक ही सिम रखी हो वो सारे टैक्स अदा किए चले जाए। इससे बड़ी तो टैक्स बेस मुझे कहीं नज़र नहीं आई, मैं तो देखा नहीं कि इंडिया में भी उन्होंने अपने मोबाइल यूज़र्स को कहा हो कि आप अपने मोबाइल यूज़ के साथ कुछ परसेंटेज टैक्स का जमा करवा दिया करें। बांग्लादेश में भी साग ही किसी मुल्क में नहीं देखा, ईयू में नहीं देखा, अमेरिका में नहीं देखा, नेम एनी कंट्री, मैंने तो इस तरह का विदहोल्डिंग निज़ाम पूरी दुनिया में कहीं नहीं देखा कि आप 68 किस्म की विदहोल्डिंग प्रोविजंस हैं पाकिस्तान में। अब किसी को पता भी नहीं होता कि उसका टैक्स कट रहा होता है, वो वापस क्लेम कैसे करें। आप मुझे बताइए कि 68 विदहोल्डिंग्स को जो विदहोल्डिंग एजेंट्स हैं उनको आप किस बात की सज़ा दे रहे हैं कि वो सारा दिन आपके लिए काम करते रहें और आप FBR के अंदर बैठ कर ये तासुर दें कि जी हमने तो हर साल 20% टैक्स बढ़ा दिया। आपने देखा होगा डार साहब के जाने से पहले एक ही मंत्रा होता था कि जनाब सुपर मैंने तो ग्रोथ दिखाई है रेवेन्यूज़ में 20% पर ईयर के हिसाब से मैंने 60% टैक्स बढ़ा दिया पाकिस्तान का। नंबर्स मैंने इसमें डाले हैं, आप देख लीजिएगा कि उनकी बात में सदाकत भी होगी। मगर क्या हमें ये अंदाज़ा हुआ कि इस टैक्स को बढ़ाने का क्या एलिमेंट था सवाए इसके कि हमने नंबर ऑफ विदहोल्डिंग प्रोविजंस बढ़ाई और उनका रेट बढ़ाया। अब मेरे कई बैंक्स क्लाइंट्स वो अपना टैक्स तो देते ही हैं, साथ में वो बिलियंस का टैक्स जो है वो विद होल्ड करके उनको जमा करवाते हैं। उसके लिए उन्हें कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ा इन टर्म ऑफ, बिकॉज अगर एक बैंक की 1200 ब्रांचेज हैं और उसको कई किस्म की विद होल्डिंग से डील करना है, उसको हर वीकेंड के ऊपर वो सारा डेटा उठाना है पूरे पाकिस्तान बेसिस पे कि कितना टैक्स उसने एक हफ्ते के अंदर अंदर FBR को जमा करवाना है। अपनी सारी जिम्मेदारी उन्होंने विद होल्डिंग एजेंट्स के हवाले की, उनकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ा दी, फिर उनको लिटिगेशन तंग करना, अच्छा जी ऑडिट करवाएं, नहीं जी आपने तो सही टैक्स नहीं काटा है, और उसके बाद खुद उनका डेटा देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि अगर उन्होंने 1400 बिलियन इनकम टैक्स इकट्ठा किया तो उसमें से 70% विद होल्डिंग था, बाकी जो था वो लोगों ने एडवांस टैक्स दे दिया, कुछ ने रिटर्न के साथ दे दिया। उनकी अपनी कारकर्दगी का ये आलम है कि वो सिर्फ 80 बिलियन टैक्स इकट्ठा किया उन्होंने, यानी 22 से 26 हज़ार, मुझे नहीं पता इस वक्त करेक्ट नंबर क्या होगा, IRS की स्ट्रेंथ भी बाहर के 22 हज़ार से तो कम नहीं है। अब 22,000 लोग जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ 80 बिलियन के लिए वो आपने रखा हुआ, और इतना शोर मचता है जी वो ऑडिट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, और जब आप नंबर्स देखेंगे तो उनकी अपनी कारकर्दगी 100 अरब रुपए भी नहीं है, बाकी सारे का सारा टैक्स एक ख़ास मैकेनिज़म के ज़रिए आ रहा है। फिर उसका ज़रा जायज़ा लें, उसमें से हर तरह का टैक्स लगा हुआ है। किसी टैक्स को आप खालिस्तन कंजम्पशन टैक्स कह सकते हैं क्योंकि वो उन्होंने आपकी कंजम्पशन के वक्त ले लिया और उसी को फुल एंड फाइनल कर दिया। सारे कमर्शियल इम्पोर्टर्स को इस साल से पहले अब हमने कोशिश करके कहा कि नहीं इनको से भी इनके नेट प्रॉफिट लीजिए, उन्होंने आपने इंपोर्ट किया आपको इंपोर्ट स्टेज के ऊपर वहीं पे सेल टैक्स भी वहीं पे इनकम टैक्स और वो भी फुल एंड फाइनल, तो उसको सेल टैक्स का रेट ही कह लें, वहीं आपकी वैल्यू एडिशन वहीं आपका सप्लाई सब करके 45 से 50% के करीब टैक्स की लोडिंग कर दी। मैंने ऑलरेडी अंडर इन्वॉइसिंग की हुई थी, मैंने उसके मज़े से वो 50% पास ऑन किया, उसके बाद मैंने डबल ट्रिपल प्राइस पर वो चीज़ बेची बिकॉज मैं अकाउंट्स तो दिखा ही नहीं रहा, उसके बाद मेरी वैल्यूडिशन क्या है, मेरी मार्केट प्राइस क्या है, किसी को पता ही नहीं है। और वो करते करते पता चला कि पाकिस्तान के अकाउंट्स के अंदर से $15 बिलियन क्यों जाते हैं, वो जो अंडर इनवॉइस की अमाउंट होती है वो बाद में फॉरेन करेंसी अकाउंट से पे ऑफ हो रही होती है। फिर उन्होंने कहा जी हमारे तो आउटफ्लोज इतने ज़्यादा हो गए, फिर उसको बाकायदा देखे बगैर कहा जी ये सारी करप्शन की मनी है जी, ये तो उनका ड्रग्स का पैसा होगा,
اب بینکوں کے اندر سے فورن کرنسی اکاؤنٹ آپ نے رکھنے کی اجازت دی، ساتھ میں اس لا کے اندر لکھ دیا کہ کوئی سوال نہیں پوچھا جائے گا نہ انورڈ ریمیٹنس کے اوپر نہ آؤٹورڈ ریمیٹنس کے اوپر، بلینکٹ آپ نے امیونٹی دی، کہا کہ ایف آئی اے بھی سوال نہیں پوچھ سکے گی، کہا کہ اس کے اوپر تو ایف بی آر بھی سوال نہیں پوچھ سکے گا۔ اب یہ پالیسی کیپٹیو تھا یا کیا تھا؟ جب آپ کی پارلیمنٹ اس طرح کا لا پاس کر دے کہ آپ سے کسی قسم کا سوال نہیں پوچھا جائے گا، اور کچھ سالوں بعد ایک دن سپریم کورٹ آف پاکستان سو موٹو لے لے اور پوچھے اچھا جی بتائیے یہ کیا ہوا، ان کے سامنے یہ قانون 92 سے ہے، اس قانون کی کے اوپر کوئی سوال کبھی کسی کورٹ نے ان انٹرسٹ آف پبلک لٹیگیشن نہیں اٹھایا کہ اس سے کسی کی کوئی فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے؟ کون سے پاکستان کے غریب لوگ ہیں جو فورن کرنسی اکاؤنٹ کھول کر پاکستان سے باہر پیسہ بھیجتے ہیں؟ ہینڈ فل آف لوگوں کے فورن کرنسی اکاؤنٹ ہیں، ایزیلی ٹریک ڈاؤن ہو سکتے ہیں، پرپز پتہ کیا جا سکتا ہے، دوسرے اینڈ کا ریسیپینٹ پتہ کیا جا سکتا ہے، اس میں کون سی اتنی مشکل بات ہے؟ مگر کوئی اس کو کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اور پھر ہم ان اصلاحات کی بات کرتے ہیں، اچھا جی اور ٹیکس لگا دیں۔ ابھی کل میں نے ایک آرٹیکل پڑھا جو ڈاکٹر حفیظ پاشا اور شاہد کاردار صاحب نے لکھا کہ مزید ٹیکسز لگائیں گے تو یہ جو آپ کا بہت بڑا فسکل ڈیفیسٹ ہے وہ کیونکہ بہت اب زیادہ ہو گیا ہے، 6.6 ہو گیا، اس کو کم کریں۔ کبھی ادھر سے ہم ایڈجسٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں اس نظام کی، کبھی ادھر سے، سارے اسی ایک بہت اپریسو ٹیکس سسٹم کے اندر جس نے آلریڈی 68 قسم کی ود ہولڈنگ، اگر اس ایک ایک ود ہولڈنگ کو ڈسکس کیا جائے تو یہاں آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس میں انکم ٹیکس سوائے دو چار چیزوں کو چھوڑ کر باقی اب یا تو وہ ٹرانزیکشنل ٹیکس رہ گیا ہے یا کنزمپشن اور ایکسپینڈیچر ٹیکس رہ گیا ہے۔ اگر یہی ٹیکسز آپ نے لگانے ہیں تو انکم ٹیکس کو خام خواہ ایک اسٹیچوٹ کو بدنام کرنے کی کیا ضرورت ہے، اس کو اسکریپ کر دیں اور سارے ٹرانزیکشنل ٹیکس لگا کر جتنا چاہے پیسہ اکٹھا کر لیتے ہیں۔ میں اس سے ڈبل آپ کو اسی ٹرانزیکشن ریٹ پہ ڈبل آف دی ریٹ کر کے تو آپ کو بتا دوں گا کہ کانٹریکٹس میں ابھی آپ کو 400 بلین آتا ہے، اب 800 بلین ہو جائے گا، امپورٹ میں سے آپ کو 233 بلین آتا ہے، یہ آپ ڈبل ریٹ کر دیں گے 400 بلین ہو جائے گا۔ جو بڑے بڑے میں آپ کو اسپنرز بتا رہا ہوں ود ہولڈنگ کے، آپ کی بہت کوشش کر کے بھی موبائل سے آپ کوئی 50 سے 55 بلین اکٹھا کرتے ہیں، پتہ نہیں اتنا ہونا چاہیے، اس سے زیادہ ہونا چاہیے، کبھی آڈٹ نہیں کیا انہوں نے سروس پرووائڈر کمپنیز کا، ہمیں اس کے والیومز بھی نہیں پتہ کہ واقعی کتنے لوگ وہ یوز کرتے ہیں، مگر ایکسپورٹس کا ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان میں واحد ایکسپورٹ سیکٹر ہے جس کے اوپر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پہ بھی ود ہولڈنگ ٹیکس ہے، وہ بھی فل اینڈ فائنل ہے۔ جب آپ کی ایکسپورٹ پروسیڈ آ جائے آپ ہمیں 1% دے دیں، بھلے ہمیں نہیں پتہ کہ آپ کا ایکسپورٹ یونٹ جو ہے وہ پروفٹ میں ہے، کتنے پروفٹ میں ہے نہیں ہے، آپ کا ریئل پروفٹ کٹ کیا ہے، آپ صرف 1% ایکسپورٹ پروسیڈ کا دے دیجیے اور پھر ریفنڈز آپ کے ہم دیں گے نہیں، کیونکہ ڈار صاحب نے جو 20% کا گروتھ ریٹ دکھایا اس میں کتنا ایڈوانس ہے اور کتنے ریفنڈز کو بلاک کیا گیا ہے، صرف یہ دو فگر کسی بھی آپ انڈیپینڈنٹ آڈیٹر سے کروا لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس 20% کے پیچھے کیا کہانی تھی۔ اور آج بھی ایمنیسٹی کے اندر 127 بلین ونڈ فال گین آ جانے کے باوجود جو انہوں نے ایف بی آر کو کریڈٹ کروا دی ہے، حالانکہ ہونی نہیں چاہیے تھی، یہ کوئی ٹیکس ریونیو پر سے نہیں تھے، اس کے باوجود بھی وہ یہ بات نہیں کر رہے کہ کیا اتنا پیسہ جو ہمیں آ گیا ہے ونڈ فال کے طور پر، ہمیں جو 300 بلین سے پلس تھوڑے سے ریفنڈس ہیں، اب ان کو ایشو کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ 4 سال سے یہ وعدہ ہو رہا ہے، کبھی ڈرامہ کیا جاتا ہے ایک اس طرح کے ہال کے اندر، خود پرائم منسٹر صاحب نے کچھ سیل لفافے لوگوں کے حوالے کیے، بھائی کیا آپ لوگوں پہ احسان کر رہے ہیں ان کا ریفنڈ دے کر؟ وہ تو ان کا رائٹ ہے، ہر اس چیز کو جو اس ملک میں کسی شہری کا رائٹ تھا اب اس کو فیور سمجھ کر دی جاتی ہے۔ جب اس طرح کی گورننس آپ کریں، چاہے وہ ٹیکس سے ریلیٹڈ ہو یا کوئی اور ہو، لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس ہیں۔ میں جاننا چاہتا ہوں ٹیکس ریفارم کمیشن میں رپورٹ میں کیا لکھا ہوا ہے، آرٹیکل 19 اے مجھے فنڈامنٹل رائٹ پرووائڈ کرتا ہے کہ ہر پبلک امپورٹنس کی چیز کے اوپر میرا اب ان ایلینیبل فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ میں جان سکوں کہ ایون سپریم کورٹ کے اندر خرچہ جات کیسے ہوتے ہیں، وہ آڈٹ کروائیں یا نہ کروائیں، ان دی نیم آف جو بھی ان کی سینکٹیٹی ہے ان کے انسٹیٹیوشن کی، کہ وہ اے جی آفس کو وہاں نہیں گھسنے دیں، بٹ ایز اے شہری میرا رائٹ ہے کہ میں 19A آرٹیکل کے تحت جان سکوں، اور اس آرٹیکل کے جس کے وہ میرے فنڈامنٹل رائٹ کے سب سے بڑے کسٹوڈین بنتے ہیں اور لمبی لمبی تقریریں جھاڑتے ہیں دوسرے جگہوں پہ جا کر کہ ہم آپ کے کسٹوڈین ہیں، وہ اپنے ہمیں حساب بتانے کو تیار نہیں ہے کہ آپ بتائیں کہ آپ کو جو ایلوکیشنز ہوئی تھی ٹیکس پیئر منی سے اس کے اندر آپ نے کتنا پیسہ اپنے گھروں کی آرائش پہ استعمال کیا، کتنا پیسہ آپ نے
ان کیسوں کی ڈسپوزل کو بہتر بنانے میں استعمال کیا. اوور دی پیریڈ آف ٹائم آپ کی جو ٹیکس کی لیٹیگیشن ہے وہ اس قدر چوک ہو گئی ہے, باقی تو آپ نے فگرز دیکھ ہی لی تھی, وہ 186,000 کے قریب تھیں. 18 لاکھ کے کیسز میں سے اگر 10% میں دیکھ رہا تھا انکم ٹیکس کی لگائیں تو آج صرف 2 لاکھ کیسز تو آپ کے ٹریبیونل میں پینڈنگ ہے, جو اس وقت سب سے نکمہ ادارہ بن چکا ہے. ایک زمانے میں یہ ٹریبیونل, انگریز سمجھتے تھے کہ ہم نے اس ٹیکس ٹریبیونل کو ایک ایسا زبردست ادارے کے طور پہ بنایا ہے, کیونکہ ان چیزوں میں عام ججز نے کام نہیں کر سکتے, ہمیں ایک ایکسپرٹیز کریٹ کرنی ہے. 1924 کا جو سی بی آر کا ایکٹ تھا اس کے تحت جو ٹریبیونل بنا, جو ٹریبیونل کا بھی ایکٹ بنا, اس کے تحت انہوں لوگوں نے اس کو ایک سیٹ آف ایکسلنس کہا ٹیکس کے لیے. اور ہمارے شروع کے لوگوں نے ایسے ایسے بہترین آرڈرز, جب میں نے سروس جوائن کی تو میں ان آفیسرس کے جو ہمارے ٹیکس سے گئے ہوتے تھے ججز, تو وہاں سے آتے ہی تھے جوڈیشل ممبر, ان کے اتنے بہترین فیصلے ہوتے تھے کہ میں حیران ہوتا تھا کہ شاید ایسے فیصلے تو ہمارے ججز بھی ٹیکس کے نہیں لکھ سکتے. اب بجائے کہ یہ لوگ آگے بینچز میں جاتے ہائی کورٹس کے یا سپریم کورٹ کے, وہ تو وہیں رک گئے. اب اس ٹریبیونل کا یہ حال ہے کہ اگر میں آج آپ سے یہ کہوں اپنے کی نوٹ ایڈریس میں کہ اس وقت جو ہمارا ٹیکس اپیلیٹ کا اسٹرکچر ہے وہ ورسٹ ترین ہے, وہاں ایسے ایسے آپ کو انکمپیٹنٹ لوگ ملیں گے, کرپشن کی تو آپ وہاں بات ہی نہ کیجئے, کیونکہ وہاں اتنے خوش ہیں ٹیکس ایڈوائزرز جو انسکروپلس ہیں کہ وہ جاتے ہیں اپنے ہاتھ کا لکھا ہوا فیصلہ دیتے ہیں, بلکہ کیا وہ کہتا ہے یار ٹائپ ہی کر لیں ایسے فونٹ بدل لیں گے کوئی مسئلہ نہیں, بلکہ تجھے مشین ہی ساڈی استعمال کر لیا کرو کوئی مسئلہ نہیں. سو دس از دی کائنڈ آف تھنگس وی آر لیونگ ان, اور یہ اب کا نہیں ہو رہا. ابھی جو پچھلے دنوں کو چیئرمین صاحب مقرر ہوئے تھے جو جونیئر تھے, انہوں نے اوپنلی ہاؤس میں کہا کہ جناب میں 3 کروڑ دے کر آیا ہوں, میں نے 6 کروڑ ریکور کرنے ہیں. یہ انہوں نے ایک اوپن میٹنگ کے اندر فرمایا, اور یہ ہمارے لاء میں اندر ان کی کیئر ٹیکر کے اندر ان کی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے. ان کا کیا بزنس تھا کہ ایک پرماننٹ ممبر کو وہاں لگا کر جاتے؟ اور جس نظام کو اب ہم ہٹانے کی بات کر رہے ہیں آج کا, اس کا میں نے آغاز آپ کے سامنے دراصل ٹیکس اپیلیٹ سسٹم سے شروع کرنا تھا, ٹیکس کورٹس پہ میں بعد میں پھر آؤں گا, مگر میں دو فنڈامنٹل باتیں آج کرنا چاہوں گا اپنے کی نوٹ ایڈریس میں. کہ پہلے تو ہمیں سب سے شروع کرنا ہے کہ ہمیں اپنا ٹیکس جسٹس سسٹم اس کو ڈسمینٹل کر کے ہمیں اس کو ایک نیشنل ٹیکس ٹریبیونل بنانا ہے, جس کے تمام ممبرز کی اہلیت وہی ہو جو ہائی کورٹ کے ججز کی ہو, ان کی سیلری بھی وہی ہو, وہ ٹوٹل انڈیپینڈنس سے کام کریں, فرسٹ اپیل بھی وہیں جائے, وہاں پہ آپ زیادہ سے زیادہ انٹرا کورٹ اپیل کا سسٹم رکھ لیں, کوئی غلطی ہو جاتی ہے وہیں کے لارجر بینچ دیکھ لیں, اور اس کے بعد جو لا پوائنٹ ہے وہ سیدھا سپریم کورٹ چلا جائے, اور ایک سال کے اندر اندر تمام ٹیکس ڈسپیوٹس جو ہیں وہ سیٹل ہونے چاہئیں. اس کے لیے پورا لا ہم نے لکھ دیا ہے, جو نیشنل ٹیکس ٹریبیونل کا لا ہی ہم نے لکھ دیا. ہم نے کہا شاید یہاں تو اتنی بھی زحمت نہ کریں, پھر کوئی ٹیکس کی وہ کمیٹی بنا دیں گے, کوئی ٹاسک فورس بنا دیں گے, اور اینڈ کے اوپر جا کر اس لا کو لکھنا جس انداز میں اسے سادہ لکھنا چاہیے, پتہ نہیں کتنے سال ہم لگا دیں. تو میں نے اور عزیمہ نے کوشش کر کے نیشنل ٹیکس ٹریبیونل کا ڈرافٹ پیش کر دیا کہ اس کے اوپر آپ ڈیبیٹ کر لیں, جو اس کو امپروو کرنا ہے کر لیں. تو لیٹ اس سٹارٹ دس ڈسمینٹلنگ آف ایگزسٹنگ ٹیکس اپیلیٹ سسٹم ود اے نیو ون وچ از نیشنل ٹیکس ٹریبیونل, اینڈ دیٹ شوڈ بی ایفیشینٹ. سو اگر ٹیکس بھی صحیح لگا ہے اور اس کو جلدی سے ڈیسیشن کر دیا جائے تو ہی شوڈ اور دیٹ کمپنی شوڈ پے دیٹ ٹیکس, بٹ ہم لنگر آن اس کو کئی کئی سال کرتے رہتے ہیں. کچھ دن پہلے میں ایک کیس میں اپیئر ہوا تھا سپریم کورٹ میں, جو 30 سال پرانا معاملہ تھا, ان کے پاس 30 سال پرانی کتاب نہیں تھی, تو میں نے ان کو ایک بنا کر نوٹ لے گیا, مجھے پتا جب وہ 30 سال پرانا لا نکالنے کی کوشش بھی کریں گے تو ان کی لائبریری سے نہیں نکلنے والا. اب میں نے کہا جی 30 سال پرانا کیس آج ہم سن رہے ہیں تو اس کو ڈسائن کرنے, اس کو ذرا تھوڑا پھر دیکھ لیں گے. 30 سال بعد بھی ہمارا ایٹیچیوڈ یہ ہوتا ہے کہ اگر ہمیں بات کی سمجھ نہیں آ رہی اور ہم اپیکس کورٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم اس کو پھر پینڈنگ کر دیں گے, اور 10 سال نہ سنا جائے, اور اس میں کوئی 12 سے 14 بلین کا ٹیکس انوالو ہے. اب ایدھر وے آئیدر اٹ ول گو اوے اینڈ ایف بی آر ول ہیو ٹو گیو ریفنڈ ٹو دیٹ باڈی بیکاز دے ہیو آلریڈی پیڈ, اور ان اینی کیس فار دیم اٹ ول بی فائنلٹی. اب 30 سال بعد اس ادارے کا کیا حال ہے وہ میں بتانا نہیں چاہتا, بیکاز ظاہر ہے کہ کچھ وہ ایک پارٹیز کی بھی سیکریسی ہوتی ہیں, بٹ اس میں میں اتنا اشارہ دے سکتا ہوں کہ اس 12 بلین کو اندر اپنے ہی گورنمنٹ کا ایک بڑا ٹیکس کا حصہ انوالو ہے. یعنی ایسی کارپوریشنز جس کو آپ اون کرتے رہے, ان پہ ٹیکس بھی لگاتے رہے, اور وہ ٹیکس معاملات بھی
آپ لنگر آن کرتے رہے. یعنی ہم نے ایسی کارپوریشنز بنائی جو 100% آن گورنمنٹ تھی اور ان پہ ٹیکس بھی لگائے. یعنی ہم ایک جیب سے لیتے ہیں پھر انہی کو سبسڈی دے دیتے ہیں جب وہ ہیوی لاسز میں جاتی ہیں. یعنی یہ کس قسم کا ٹیکس کا نظام ہوگا جس میں آپ حیران ہوں گے کہ آپ کہتے ہیں جی کہ ہم ان کو شاید پھر ایک کمرشل وینچر کے طور پر چلا رہے ہیں. ہوتی وہ 100% آن گورنمنٹ کارپوریشنز ہیں, ان پہ کافی برا امپیکٹ آتا ہے. یوزلی وہ ٹیکسز صحیح لگے بھی نہیں ہوتے. ان کو بھی ایک ایزی پرے ہوتا ہے اپنے بجٹ پورے کرنے کے لیے. کسی ایک بڑے ادارے کو پکڑا, اسے اینڈ کے اوپر 5 بلین کا 6 بلین کی ڈیمانڈ ریز کی, اسے کہا جائے تو جمع کروا دو میرا بجٹ تو ہو جائے نا, پھر بعد میں لے لینا. نہیں ہوگا تو گورنمنٹ کو ایک کیس ڈال دینا کہ سبسڈی دے دو یار, کیونکہ یہ تو ادارہ ڈوب رہا ہے. ایسی بھیانک ایگزامپلز ہیں کہ اگر اس کا ایک جائزہ لیا جائے, یا میں سوچ رہا ہوں کہ کسی دن ڈاکٹر وقار کے ساتھ مل کر ہم جوائنٹ رائٹنگ کریں اور ایسے بہت سے پیپر لکھیں جس میں ہم یہ ایکسپوز کر سکیں کہ اس ریاست نے خود کشی کرنے میں اپنی کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی. اگر آپ نے ایسے ٹیکسز ہی لینے تھے جو آپ نے بعد میں سبسڈی کی شکل میں انہی اداروں کو واپس کر دینے تھے, تو آپ 20% کی بجائے 40% گروتھ دکھا لیتے پھر ایف بی آر کی. اس سے کیا فرق پڑتا تھا؟ یہ تو ایک طرح سے آپ نے ایک پاکٹ سے لیا اور دوسری پاکٹ سے اس کو واپس کر دیا. سو یہ ٹیکس ریفارم کے اندر, جسے ریفارم کہیں یا کوئی اور نام دینا پسند کریں, میں تو اب کہتا ہوں کہ جی شوڈ بی اے کمپلیٹ ڈسمینٹلنگ آف دی پریزنٹ سسٹم اینڈ دیر شوڈ بی ریکنسٹرکشن آف دی نیو ون. کیونکہ اگر اس کے اندر ہم وہی کاسمیٹک چینجز کرتے رہیں گے تو وہ الائف وہ اس طرح کی آرائشی قسم کی چیزیں کرتے رہیں گے تو ہوگا کچھ بھی نہیں. سو ہمیں ایک فنڈامینٹلی ایک بہت ماڈرن جو پریگمیٹک بھی ہو اور وہ ڈلیور کرنے والا سسٹم بھی ہو, ہم نے اس میں لکھا پیپر میں, اس کو اور بھی ڈبیٹ کر کے بہتر کر کے اس کی شکل دی جا سکتی ہے. بٹ جب تک ہم ٹیکس جسٹس سسٹم کو درست نہیں کریں گے لوگوں کا فیتھ بحال نہیں ہوگا. مثال کے طور پہ اگر میں آفیسر کے طور پہ غلط ٹیکس لگاتا ہوں تو پھر یقینی طور کے اوپر اگر 6 مہینے کے اندر ہی فیصلہ آ جائے گا, نہ صرف یہ کہ میری کارکردگی واضح ہو جائے گی بلکہ اگر ٹریبیونل اس میں نیشنل ٹیکس ٹریبیونل اسٹرکچر پاس کر دیتا ہے کہ اس نے یہ میلا فائیڈی انٹینشن سے ٹیکس لگایا ہے اور اس نے بالکل ہی آربیٹریری ایکسرسائز کی ہے, تو پھر ٹیکس ایڈمنسٹریشن کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ ایسے آدمی کو یا تو دوبارہ ٹریننگ پہ بھیجے, اور اگر وہ پھر بھی انکوریجیبل رہتا ہے اس کو گھر بھیج دیں اور کوشش کریں تو فیڈرل ٹیکس امبرزمین صاحب بجائے سارا دن فضول کی کمپلینٹیں سننے کے ان کے لاء میں بھی ایک امینڈمنٹ ڈال دی جائے کہ اس طرح کے آفیسرس کو پھر ڈیمیجز جو کلیم کرنے کا ٹیکس پیئر کا رائٹ ہے ان کا فورم ان کو دے دیا جائے تاکہ وہ سوٹیبل کیسز میں وہاں ڈیمیجز اس کی سیلری سے کلیم کریں. تو ایک اسٹرانگ جو نظام ہے چیک اینڈ بیلنس کا وہ پیدا ہو سکے. دوسرا ہم نے بہت غور و فکر کیا کہ کیا واقعی ہم فیڈرل بورڈ آف ریونیو کو ریفارم کر سکیں گے جس حالت میں اب وہ پہنچ چکا ہے. یہ جو کل کے فیصلہ ہم نے دیکھا ہے وہاں کے چیف کا اور پھر اس کے بعد وہاں کے لوگوں کا احتجاج اور کئی عرصے سے وہاں جس طرح کے چیئرمین آتے ہیں پولیٹیکل پوسٹ پہ, اس سے تو ہمیں نہیں لگتا کہ اب اس ادارے کو اس ریفارم کے بعد جہاں آپ نے فنکشنل کر دیا, شاید اس کا اسیسمنٹ ونگ زیادہ تر وقت تو رپورٹنگز کرنے میں ہی گزر جاتا ہے, ایکچوئل اسیسمنٹ آرڈر تو وہ کر ہی نہیں رہا ہوتا. تو کیوں نہ پھر کوشش کر کے ہم یا تو اس واپس اولڈ سرکل سسٹم میں جاتے جہاں بڑا سینٹرلائز کنٹرول تھا, بہتر مینجمنٹ بھی ہو رہی تھی, یا ہم نے سوچا کہ دیکھا جائے تو ایک نیشنل ٹیکس ایجنسی بنائی جائے جس کا کچھ اندازہ آپ کوشش کریں تو ہماری خیر اس پیپر میں تو تفصیل سے ہے مگر خود بھی دیکھ سکتے ہیں کہ زیادہ تر ملکوں میں جو ہماری طرح کی فیڈریشنز بھی ہیں وہاں ایک ہی ایجنسی اسٹیبلش کی جاتی ہے اور وہ سارے ٹیئرز کے ٹیکس خود ہی اکٹھی کرتی ہیں تاکہ ایک تو ڈیٹا ہر جگہ اویلیبل ہوتا ہے, کاسٹ بچ جاتی ہے اور ہر ایک سطح کی حکومت کے لوگ اس میں پارٹیسپیٹ بھی کرتے ہیں. اب اگر صوبوں کا سٹیک پورے ٹیکسز میں 57% ہے تو ان کا آپ کی ٹیکس ایڈمنسٹریشن میں تو کچھ لینا دینا ہی نہیں ہے. ایف بی آر اگر کیک کا سائز بڑا نہیں کرتی, ایگزمپشنیں دیتی رہتی ہیں, تو اس کا الٹیمیٹ امپیکٹ تو اس 57% پہ ہے جو صوبوں کو جانا ہے. مگر صوبوں سے نہ پالیسی میکنگ میں, آپ کس کو چاہے ایگزمپشن دے دیں, صوبے سے پوچھ کر تو آپ ایگزمپشن نہیں دے رہے, بٹ الٹیمیٹلی تو اس کا امپیکٹ جا کر ہو سکتا ہے کہ بلوچستان کے لیے بہت ہی ڈیزاسٹر ہو جس کو صرف 9% ملنا ہے این ایف سی ایوارڈ میں سے. کیا اس میں کسی قسم کی ان پٹ لی جاتی ہے ان سے؟ تو نہ تو ہم نے ان اداروں کی
कोई पॉलिसी मेकिंग में जो सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं पूछते हैं, जहाँ जी चाहता है एग्जम्पशन दे देती है फेडरल गवर्नमेंट, और जो कि मैं आज ख़ास तौर पर उसके लिए आर्टिकल 162 का जिक्र भी करूँगा कि आर्टिकल 162 में सेफ्टी वॉल मौजूद है कि अगर किसी भी टैक्स लॉ के अंदर किसी किस्म के रेट की रद्दोबदल की जाए जिसका इम्पैक्ट जाकर एनएफसी अवार्ड पर हो, तो ऐसा बिल ही पार्लियामेंट में पेश नहीं किया जा सकता जब तक कि प्रेसिडेंट की प्रायर अप्रूवल हासिल ना हो। पूरे पाकिस्तान के इंटेलेक्चुअल एटमॉस्फेयर में आज तक किसी ने आर्टिकल 162 को ही डिस्कस नहीं किया। साल हा साल से हमारे टैक्स फिनेंस बिल्स के अंदर रद्दोबदल किया जाता है रेट्स के अंदर, जिसका इम्पैक्ट होता है नेगेटिवली, एग्जम्पशंस दी जाती हैं और बिल पेश हो जाता है पार्लियामेंट में। कोई प्रेसिडेंट की, क्योंकि प्रेसिडेंट की प्रायर अप्रूवल्स की मुराद ये थी फ्रेमर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की नज़र में कि ही इज़ कस्टोडियन ऑफ फेडरेशन, अगर किसी फेडरेशन के फेडरेटिंग यूनिट को उस सेक्शन से नुकसान होगा तो वो उनकी ओपिनियन ले। अब हमारे यहाँ बाहर कैफ अदारे मौजूद हैं, कॉमन इंटरेस्ट की काउंसिल मौजूद है, बाकी मौजूद हैं। 18th अमेंडमेंट के बाद हमें प्लानिंग में हमें एक मुल्क की इकोनॉमिक पॉलिसी बनाने के लिए, जिसमें ज़ाहिर है टैक्स भी उसका पार्ट भी है, उसके लिए उनके साथ मशावरत करनी थी। मगर सेंट्रिस्ट माइंड ये है कि हम फेडरलिज्म की तरफ नहीं गए, बल्कि अभी भी सेंट्रिज्म हमारा वो माइंडसेट है। इसीलिए आपने देखा कि पाकिस्तान के अंदर दूसरी फेडरेशंस के बरअक्स हमने गुड्स के अंदर जो टैक्स लगाने का अख्तियार था वो सूबों को देने की बजाय फेडरल गवर्नमेंट के पास रख लिया, जबकि प्री पार्टीशन में ये टैक्स लगाने का अख्तियार तो सूबों को था। फिर सडनली क्या हुआ कि हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट तो उठा लिया मगर हमने ये वाला काम अपने पास रख लिया। शुरू में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बहाना ये किया कि चूँकि मुल्क के पास रिसोर्सेज की बहुत कमियाँ थी भी, जब जाहिर है कि तकसीम के वक्त हमारे यहाँ वसाइल बहुत कम हमारे हाथ आए थे, तो उन्होंने कहा कुछ अरसे के लिए हमें ये दे दिया जाए फिर हम आपको ये वापस कर देंगे, मगर वो कभी वापस नहीं हुआ। उसका नतीजा क्या है कि अगर मैं ज़्यादा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर रहा हूँ और मैं सोर्स के ऊपर सेल टैक्स इम्पोज करता हूँ, या मैं मेरे पास गैस के ज़खायर हैं, जैसे अगरचे मेरी पॉपुलेशन बहुत कम है और मुझे 9% मिलता है, तो फिर उस हिसाब से दो सूबे तो हो सकता है सिंध भी बहुत अमीर हो जाते अगर गुड्स के ऊपर टैक्स लगाने का इख्तियार उनके पास होता। अगर कंजम्पशन जो है, एंड कंजम्पशन जो है, वो भले पंजाब में ज़्यादा भी होती मगर फर्स्ट एज का टैक्स हम पंजाब के एंड कंज्यूमर से वहाँ वसूल कर रहे होते। किसी ने इस इम्बैलेंस के ऊपर भी तवज्जो नहीं दी, जो कि बहुत ज़रूरी है इस फेडरेशन के अंदर, क्योंकि एंड के ऊपर फिर हम उनको 9% जो हिस्सा देंगे तो उसमें तो मेरा नहीं ख्याल कि बलूचिस्तान शायद अपने इंफ्रास्ट्रक्चर की नीड्स भी पूरा कर सके। और जो एक लेजिटिमेट राइट है उनका, अगर गुड्स एंड सर्विसेज किसी एक प्रोविंस की फिजिकल टेरिटरीज में जन्म ले रही हैं तो उसको फेडरेशन को, सेंटर को टैक्स लगाने का अख्तियार कैसे हासिल हो सकता है। इंडिया में आपने देखा होगा कि उन्होंने सर्विसेज वाला टैक्स इंडिया की फेडरेशन के पास था, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, यूनियन ऑफ इंडिया के पास, और गुड्स का हमेशा सूबों के पास रहा। अब जाकर उन्होंने यूनिफाइड टैक्स एक किया है, गो के जो राइट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो अभी भी जहाँ गुड्स की है वो डायरेक्टली उस स्टेट को मिलेगी और उसमें सेंटर का कोई शेयर नहीं होगा, भले हम इसको कलेक्शन जो है वो एफिशेंटली एक टैक्स एजेंसी से करें, मगर जहाँ पे वो गुड्स मैन्युफैक्चर हो रही होंगी उस सूबे को जहाँ वो प्रोड्यूस हो रही होगी मिलना चाहिए। ये एक बड़ी डिबेट भी पाकिस्तान में ज़रूरत है जो बहुत अरसे से नहीं की गई। तो नेशनल टैक्स एजेंसी को बनाकर उसको एफिशिएंट करना, उसके अंदर सारे सूबों के लोग भी शामिल हों, हम एग्रीकल्चर इनकम टैक्स भी वहीं इकट्ठा करें, हम एक्साइज एंड टैक्सेशन के भी सारे टैक्सेस वहाँ इकट्ठे करें, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के टैक्सेस भी, इतने महकमे बनाकर टैक्स पेयर की ज़िंदगी को हराम किया हुआ है। यानी कि आप सोचें कि पहले हमारा एक बैंक एक टैक्स की रिटर्न फाइल करता था ऑल पाकिस्तान बेसिस पे, जिसमें अंदर सेल टैक्स शामिल था, अब हमें चार सूबों को, एक एक FBR को, एक गिलगित बल्तिस्तान वाले कहते हैं जी हम भी एक लैदा टेरिटरी हैं AJ के, तो मेरा एक महीने के अंदर मुझे कितनी रिटर्न्स फाइल करनी पड़ती हैं, कितने मेरे मैन आर ज़ाया होते हैं और किस कदर लोग तकलीफ़ में हैं। फिर बड़ी बड़ी और प्रॉब्लम्स जी,
सारे सूबे ने अपने अपने लॉ में ये लिखा है कि सर्विस ओरिजिनेशन पे भी हम टैक्स लगाएंगे और टर्मिनेशन पे भी हम टैक्स लगाएंगे। अब ये बेचारे लोग टैक्स पेयर परेशान हैं कि मैं कैसे दो जगह टैक्स दे सकता हूँ। किसी ने इस पर डिबेट नहीं की कि आप इस तरह की अपनी टेरिटरी के बियॉन्ड जाकर कैसे टैक्सेशन कर सकते हैं। एक्स्ट्रा टेरिटोरियलिटी का टैक्स लगाने का अख्तियार आर्टिकल 141 के अंदर सवाए फेडरल गवर्नमेंट के किसी को नहीं है। सूबे अपनी अपनी डोमेन के अंदर जो उनकी लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस है टैक्स लगा सकते हैं, मगर टेरिटरी के बाहर जाकर नहीं लगा सकते। तो आपने ओरिजिनेशन और टर्मिनेशन दोनों पर जब टैक्स लगाया तो नेचुरली आपने एक ब्लेटेंट वॉयलेशन की। और मैं एज ए प्रैक्टिकल मैन बता रहा हूँ, क्योंकि मेरी तो ब्रांचेस हर जगह हैं, मुझे कभी इनपुट में मसला आता है, कभी रिपोर्टिंग में मसला आता है। वो कंपनीज़ जो एक से ज़्यादा सूबों में जिनकी एग्जिस्टेंस है उनके लिए तो कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस इतनी ज़्यादा हो गई है और डिफ़िकल्टी का एंगल इतना ज़्यादा हो गया है, और इसका सलूशन FBR को रिफॉर्म करने पे नहीं है। कंप्लीट डिसमेंटलिंग ऑफ FBR एंड अ न्यू एजेंसी विद ऑल पाकिस्तान यूनिफाइड टैक्स सर्विस। इस ऑल पाकिस्तान यूनिफाइड टैक्स के लोग ही हर जगह काम करेंगे, आप उनके रीजनल ऑफिस जहाँ मर्जी बनाएं और वो सारे किस्म के टैक्सेस को इकट्ठा करें। दो आस्पेक्ट्स मैंने कोशिश की कि अपने कीनोट एड्रेस में, जो मुझे लगता है कि शायद लंबा होता जा रहा है और शायद अगर बोरियत का इसमें पहलू ना निकल रहा हो तो मैं कोशिश करके इसको अगले 5-10 मिनट में जी ख़त्म करूं, क्योंकि मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मैं इतना लंबा भी बोल सकता हूं। यूजली मैं ज़्यादा खामोश रहता हूं, लिखता हूं, मगर जाहिर है कि कभी माइक हाथ आ जाए तो फिर कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा दिल की बात कह ली जाए। इसके लिए कुछ माजरत खा हूँ कि आज मैंने वक्त से शायद कुछ ज़्यादा बात की। जी टैक्स कोड्स के बारे में मेरा जो ख्याल है वो ये है कि अब इन टैक्स कोड्स के अंदर इस कदर कॉम्प्लिकेशंस उन्होंने डाली हैं कि जब इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 90, वैसे तो हैं ये सारे ऑर्डिनेंसेस माशाल्लाह हमारी पार्लियामेंट्स को मौका मिला, मगर उन्होंने इतनी तकलीफ भी नहीं की। वैसे बहुत गालियाँ देते हैं वो मिलिट्री टेक ओवर्स को, मगर उनके बनाए हुए ऑर्डिनेंस की शक्ल भी बदलने का, नाम ही बदल दें फॉर दिस सेक, मगर इतने वो उनसे मोहब्बत रखते हैं कि पहला इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 1979 जो ज़िया उल्हक साहब ने दिया वो 2001 तक चला। अभी पार्लियामेंट आई जानी थी 2003 में कि मुशर्रफ साहब ने 2001 में एक और नाफिस फरमा दिया ऑर्डिनेंस, भाई आप दो साल रुक जाते, और उसको नाफिस भी दो साल बाद ही करना था 2003 से, तो फिर 2001 में उसको प्रोमलगेट करने की क्या ज़रूरत पेश आई थी, कर भी दिया। 2001 में उसको प्रोमलगेट किया, 2003 में जब इफेक्टिव हुआ तो उसमें 2000 अमेंडमेंट्स कर दिए। अब देखिए बंदा पूछे 2003 में तुम उसको स्क्रैप करके इनकम टैक्स एक्ट 2003 के नाम से वही अमेंडमेंट उसमें डाल देते, हमें नीचे फुट नोट्स तो ना देखने पड़ते। अब उस किताब को जब मैं पढ़ता हूँ तो उसके नीचे 2000 फुट नोट्स मुझे पढ़ना, इतनी दिक्कत होती है मुझे। एनी हाउ ये जो हमारा इनकम टैक्स का कोड है वो भी हमने लिख दिया है, जो अब सिर्फ 100 सेक्शन पे मबनी है, और जिसमें हमने बुनियादी तौर पर तो फ्लैट रेट की बात की है कि हम फ्लैट रेट ऑफ टैक्स की तरफ जाएं ताकि लोगों को स्लैब्स के मसाइल ना हों कि मैंने, अब वो स्लैब्स के हम मसले रखते हैं 25% वो उसकी इनकम स्प्लिटिंग शुरू कर देते हैं। हमारे पास कोई ऐसा अभी तक टैक्स का इंटेलिजेंस सिस्टम हम बना नहीं सके कि हम लोगों को पकड़ सकें। हाँ, अगर वो 1 अरब कमा के 90 लाख रख लेगा, कहीं इन्वेस्ट करेगा, कम अज़ कम डिक्लेयर कर देगा बुक्स के अंदर, अभी भी तो आप उसको 5% पे एमनेस्टी दे ही देते हैं। अभी ये जो पीछे हमने, हम तो 10% टैक्स लेने की बात कर रहे हैं, वो 2-3% 5% पे हर ऑफ एंड ऑन उनको एमनेस्टीज भी दे देते हैं। तो भले आप 25% 35% की प्रोग्रेसिव रेट ऑफ टैक्स के ऊपर शादियाने बजाते रहें कि हमारे यहाँ बड़े प्रोग्रेसिव, उसकी मैं आपको बाइफरकेशन करके बता दी है कि पिछले 5 साल की टैक्स डायरेक्टरी में आप 3,500 लोग नहीं दिखा सकते जिन्होंने 10 मिलियन से ज़्यादा टैक्स पे किया। तो आखिरी स्लैब का टैक्स तो आप लोगों से ले नहीं रहे, तो वहाँ रख देने से उसको क्या फ़ायदा है। भले आप एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ फिर कुछ देर के लिए होने दीजिए, आप अपने इनकम टैक्स के रेट को फ्लैट पे ले जाइए, उन्हें कहिए ज़रा ठीक है आप दिखा दीजिए, अब आप जितने भी बिलियंस कमा रहे हैं आपके तो बड़ा कम बर्डन है, बाकी की आप वेल्थ दिखा दें, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जाकर
हम या तो ये अगर इसकी बड़ी अमाउंट इकट्ठी हो जाती जो हमारा अंदाज़ा है कि कॉरपोरेट का टैक्स जो कि ऑलरेडी क्वान्टिफाइड है और तकरीबन 80% वहाँ से आ रहा है, और इंडिविजुअल का अगर हम 4 बिलियन के करीब या 3 बिलियन ट्रिलियन के सॉरी करीब से इनकम टैक्स इकट्ठा कर लें जो अभी हमारा 1.5 ट्रिलियन का डबल कर लें, तो फिर हमारे लिए ये जो प्रोग्रेसिव रेट वाली टैक्स की बहस है ये, क्योंकि कंपनी पे तो ऑलरेडी फ्लैट रेट ऑफ टैक्स होता ही है। हमने अलबत्ता ये कहा है कि ये बहुत अभी भी ज़्यादा है 30, इसको आप 20 पर लेकर आएँ, क्योंकि आप हैरान होंगे कि 84,000 पाकिस्तान में रजिस्टर्ड कंपनीज हैं जिसमें सिर्फ 34,000 इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। अब ये तो इन्फोर्समेंट का इतना सादा मसला है कि अभी आप SECP की साइट पर जाएं, आपको नाम मिल जाएंगे, हासिल भी किए जा सकते हैं, आप उसी वक्त कंपेयर कर सकते हैं FBR वाले कि इनमें से कौन सी, और लॉ में तो लिख रखा है कि हर कंपनी हर हाल में टैक्स रिटर्न फाइल करेगी इररिस्पेक्टिव उसकी इनकम है नहीं है। तो अगर आप इतनी सी इन्फोर्समेंट नहीं, आप तो मिलियंस ऑफ पाकिस्तानियों की इन्फोर्समेंट की बात कर रहे हैं, मैं तो आपको 84,000 की टैक्स बेस की इन्फोर्समेंट की एक्सपोजर्स बता रहा हूँ कि ये तो उन पूरी कंपनी से टैक्स रिटर्न नहीं वसूल फरमा रहे हैं, रीजंस बेस्ट नोन टू देम। ये कौन सा मुश्किल काम है कि आप उन 84,000 कंपनियों से ये ना पूछ सकें कि भाई इनमें से 34 ने जो रिटर्न किया है बाकी कौन सी कंपनीज हैं, शायद वो ना हो जिनके आजकल अकाउंट्स दरामद हुए हैं जिसमें कई बिलियंस जाते थे और फिर वहाँ से निकल आते थे। अगर इस तरह की कंपनियाँ रजिस्टर कराकर हम उनमें से सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं तो फिर शायद हमें टैक्स रिटर्न देने की ज़रूरत ना हो। मगर ये भी बड़ा अच्छा होता हमारे लिए कि हमें FBR की साइट से पता चल जाता कि पाकिस्तान के अंदर 84 में से अगर हम 34 निकाल दें तो बाकी 50,000 कंपनियां किसी खास मखसूस मकसद के लिए बनाई गई हैं, शायद टैक्स कंप्लाइंस के लिए नहीं बनाई गई। बहुत अच्छी लीड थी मगर शायद FBR ने मिस कर दी, शायद आगे इस पर कुछ गौर करें। सेल टैक्स भी अगेन आप देखेंगे कि उसके अंदर 2 लाख से कम लोग रजिस्टर्ड हैं और सिर्फ 30,000 लोग टैक्स पे करते हैं, पता नहीं बाकी क्या कर रहे होते हैं, सिर्फ वो जाली इन्वॉइसेस के ज़रिए रिफ़ंड लेने का कारोबार सेल टैक्स के निज़ाम के अंदर राइज है, हम आज तक ना उसकी बेस बना सके। और उसमें से भी 80% टैक्स जो है वो आप हैरान होंगे कि सिर्फ 12 कंपनीज पे करती हैं, पर इतना बड़ा टैक्स का निज़ाम बनाने की क्या ज़रूरत है आपको अगर आपने यही काम करना है तो। और सेल टैक्स का अफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स आपने 17 रखा हुआ है, आप देख लीजिए उसकी एग्जम्पशंस निकाल कर मेरे डेटा में कि वो 8.4% निकलता है पिछले साल। चलिए मैंने उसको हाई साइड में सारी फील्ड का लगा कर, आपका पॉइंट ठीक होगा शायद इससे भी कम हो, मगर मेरा जो मैंने वर्किंग की तो वो 8.4 के करीब आई। कस्टम्स के अंदर आप देख लीजिए कि हमारा रेगुलेटरी ड्यूटी से पिछली दफ़ा हमने उसको डबल करने की कोशिश की है 606 पे, और हम कितनी अंडर इन्वॉइसिंग है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, अब आपके अकाउंट से साबित हो रहा है, खुद चाइना का आप अपने साथ डेटा की आप कंपैरिजन करके देख लें। उसमें भी हमारी प्रपोजल यही है कि अगर इसको आप सिंगल डिजिट में आप ले आएँ और अक्रॉस दी बोर्ड एक ही लगा दें, तो बहुत कम लगाएं, 2% पे लगाएं, डॉक्यूमेंट हो जाएगा और लोगों का ये इंसेंटिव ख़त्म हो जाएगा। और उसके अंदर बहुत ज़रूरी है कि हम हर जो है इनबाउंड और आउटबाउंड जो भी कंटेनर है उसकी स्कैनिंग करें जैसे मुल्कों में होता है, पूरे रिफॉर्म के FBR के जो डिज़ाइन था हुआ, चाहे उसके अंदर शुरू के दिनों में वर्ल्ड बैंक भी इन्वॉल्व रहा, बाद भी हमने कोशिश की, सबसे बड़ा जो मिसिंग लिंक था जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा पैरेलल इकॉनमी पाकिस्तान में जनरेट होती है, ज़ाहिर है हम बहुत बड़ी इंपोर्ट बेस्ड इकॉनमी हैं, उसके अंदर आप गौर करेंगे कि हमने उस चीज़ को जानबूझकर अवॉइड किया कि हम वहाँ पे स्कैनर्स और एक्सरेज को लगाएं, जो वैसे सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए भी बहुत ज़रूरी है। इसके साथ मैं अपने जो है वो ख़त्म करता हूँ, आप लोगों ने मुझे बहुत देर तक सुना उसका बहुत शुक्रिया।